क्या आपकी आइज़ का रिफ्रेश रेट 30 है, 240 है, या फिर है कुछ और। अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर और साथ में बताऊंगा इसके पीछे की फिजिक्स। तो इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आपको अलग अलग आंसर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई बोलेगा कि आपके आइज़ का जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वो है 30, कोई बोलेगा इसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 100, 200, 500। तो एक्चुअली जो रिफ्रेश रेट है ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, जैसे कि आप चल रहे हो, आप खड़े हुए हो, आप बैठे हो, या फिर आपकी कितनी लाइट सोर्स है आपके आसपास। तो मेरा जो ये आंसर होगा ये होगा सबसे मैक्सिमम के सिनेरियो पे, मतलब कि आप बैठे हो जहाँ पे आप सबसे अच्छे से चीज़ों को नोटिस कर सकते हो और जो लाइट सोर्स होगा वो भी बहुत अच्छा वाला होगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया आइस के रिफ्रेश रेट को जानने के लिए। तो इसमें क्या था कि हमने एक ऑब्जेक्ट जो है उसको फ्लैश किया हमारे ह्यूमन आई के ऊपर फॉर 1 मिलीसेकंड। तो इससे हमें पता चला कि जो आइज़ हैं वो उस ऑब्जेक्ट को देख पा रही थी काफ़ी अच्छे से, और मतलब डिफरेंस क्लियर कर पा रही थी कि पहले वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था और जैसे वो फ्लैश पास हुई उस ऑब्जेक्ट की तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख गया। वो टाइम था 1 मिलीसेकंड के लिए, बट जैसे ही हमने उसे थोड़ा सा कम किया तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखा नहीं, तो इसका मतलब हम ऐसा तो पहुंच गए कि हमारी जो आइज़ है वो मिनिमम 1 मिलीसेकंड तक देख सकती हैं। तो इससे होता क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है कि मानो एक फ्रेम आपने 1 मिलीसेकंड में देख लिया जो कि होता है 0.001 सेकंड, ओके। तो जो फ्रेम्स पर सेकंड आया वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो कि होगा 1000 फ्रेम्स, मतलब कि 1 ÷ 10⁻³⁻³ = 10⁻³, मतलब ठीक है। तो ये हो गया 1000 फ्रेम्स पर सेकंड के हम देख सकते हैं। सो ये तो थी एक इमेज, कितने हम कम टाइम में एक इमेज को देख सकते हैं। बट जब बात आती है एनिमेशंस की, जो कि मूवीज़ है, कोई मूवी ले लो, कोई गेम ले लो, जैसे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कोई भी एक छोटी सी भी एनिमेशन है, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ और होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। सो एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो हमारी आइज़ है वो जितना डिफरेंस 60 FPS से 90 FPS में देख सकती हैं उतना डिफरेंस उनको पता चल नहीं पाता है 90 to 120 के बीच में, बट अकॉर्डिंग टू मैथ है तो 30 फ्रेम्स का डिफरेंस। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जो आंसर है वो मैथ में नहीं है, इसका आंसर है हमारे इमेज प्रोसेसिंग में और जो हमारे सिग्नल्स जो हमारे पास हो रहे हैं ब्रेन में उसके अंदर है इसका आंसर। अगर हम कोई भी एनिमेशन 30 FPS से ऊपर देखें, मान लो आप देख रहे हो 90 FPS पे, तो होता तो एक्चुअली में क्या है कि जो आपकी जो इमेज है, आपकी जो भी कोई एनिमेशन हो रही है वो एक तरीके से लाइट है जो कि आपकी आइज़ में आ रही है, और जो आइज़ के अंदर जो लेंस है वो उसको इन्वर्ट करके रेटिना पे गिराता है और जहाँ से वो सिग्नल सीधे ब्रेन को जाते हैं। सो जिनको नहीं पता इन्वर्ट क्या होता है, तो इन्वर्ट ऐसा होता है कि जो इमेज जो हम देख रहे हैं वो जो हमारे रेटिना पे जो आती है लेंस के थ्रू वो उल्टी होती है। जैसे कि मैं ऐसा होना तो अभी मतलब मैं ऐसे होऊंगा मेरी आइज़ के अंदर, बट जो ब्रेन है हमारा वो उसको इन्वर्ट करके हमें समझाता है कि नहीं भाई, तो जो देख रहा है वो उल्टा है, असली में ऐसा होता है। तो अभी होता ही हूँ कि जो अगर हम 90 FPS पे शिफ्ट हो रहे हैं 60 से 90 पे या फिर कुछ भी ज़्यादा 60 से, तो जो रेटिना पे जो सिग्नल्स आते हैं और जो सिग्नल्स वही ब्रेन को जाते हैं उतने के बीच में हमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, मतलब हमारे थोड़े से सिग्नल्स वेस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ट्रू 90 FPS देखने को तो नहीं मिलता है, बट जो स्क्रीन है, एक्चुअली जो स्क्रीन आप देख रहे हो वो ट्रू 90 FPS है, बट जो आप अंदर महसूस कर पा रहे हो वो ट्रू 90 FPS नहीं हो सकता। सेम केस होता है 120 FPS के साथ में। अब आप कोई 120 FPS की कोई भी एनिमेशन देख रहे हो तो जो लॉस आपको 60 से 90 के बीच में हुआ था, अगर आप 90 से 120 करते हो तो लॉस उससे थोड़ा और ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ये 90 जैसी है, हल्का सा डिफरेंस दिखेगा कि नहीं 90 वाली में इतनी 90 वाली और 120 वाली इतनी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये डिफरेंस तो हो गया कि ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलता है डिफरेंस। और इसमें आपको ये भी आंसर मिल गया कि जो 60 से 90 होता है उसमें हमें इतना ज़्यादा क्यों डिफरेंस देखने को मिलता है, और जो 90 to 120 होता है उसमें थोड़ा कम क्यों देखने को मिलता है। एक्चुअली सारा आंसर है सिग्नल के लॉस्ट होने के परसेंटेज पे, 60 to 90
कम सिग्नल लॉस्ट, 90 to 120 मोर सिग्नल लॉस्ट. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप ये आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने कोई सजेशन हो आपके पास तो आप उनको कमेंट में मुझे बता सकते हैं. और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.